तो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक गजब का ट्रिक लेकर आया हूँ। चाहे वह फेसबुक मैसेंजर हो, चाहे वह व्हाट्सअप मैसेंजर हो, चाहे इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे आपको मैसेज कोई करता है और वहाँ पे आप चाहते हो कि आप वह मैसेज को पढ़ लो और जो भी आपको मैसेज किया है उनको पता नहीं चले, दोस्तों मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि ये तीनों जगह वर्क करेगा। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल और आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग किसी भी सोशल मीडिया पर मैसेज रीड कर लोगे और सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज को पढ़ लिया है। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं व्हाट्सएप पे करके दिखाता हूँ और यह जो ट्रिक है यह हर एक जगह वर्क करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है सुनो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों को किसी भी टाइप का प्रूफ नहीं दे सकता। इसके पीछे भी एक कारण है, मेरे पास डबल फोन नहीं है तो इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता। अगर आपको यह वीडियो फेक लग रहा है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को देख लेना है और यह ट्रिक को यूज करके देखना है। अगर ट्रिक यूज होता है तब आके इस वीडियो फिर से आना, तब वीडियो को लाइक करना, तब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यह वीडियो फेक थी या रियल थी। क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे किसी भी फेक टाइप का ट्रिक नहीं दिया जाता, जो रियल होता है, जो यूजफुल होता है वो ट्रिक मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी मैसेज, जो भी आपको सोशल मीडिया पर मैसेज आता है, चाहे वह इंस्टा या फेसबुक या फिर मैसेंजर, ये तीनों जगह पर किसी पर आपको मैसेज आता है, तब आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का सबसे पहले आपको डाटा को ऑफ करना है, ठीक है। अपने मोबाइल का डाटा को ऑफ करने के बाद में आपको फ्लाइट मोड को ऑन कर देना है, ठीक है। फ्लाइट मोड को ऑन कर देना है और जीपीएस को भी आपको बंद कर देना है। अगर आपके मोबाइल में चालू है तब इसको बंद करना, अगर नहीं है तो गैस आपको छोड़ देना है, ठीक है। सो जैसे ही ये सब कुछ आप ऑन कर देते हो फिर आगे आपको क्या करना है, आपको जो भी सोशल मीडिया पर मैसेज आया है उनको सबसे पहले ओपन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे WhatsApp को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको समझाने के तौर पे मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास डबल फोन नहीं है, ठीक है। जैसे आप मैसेज को सीन कर लेते हो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। बैक होने के बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको यहीं पर ही आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड से इसे रिमूव कर देना है। जैसे ही रिमूव हो जाती है सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स आपको सबसे पहले कौन सा ऑन करना है, कौन सा सेटिंग को बाद में ऑफ़ करना है, वो चीज़ आपको जानना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जीपीएस वाले ऑप्शन को ऑन करना है और उसके बाद में आपको फ्लाइट मोड को आपको बंद करना है। जैसे ही बंद करोगे फिर जाके आपको डाटा को ऑन कर देना है। डाटा को जैसे ऑन कर देते हो तब जाके जो भी मैसेज को आपने रीड किया था, जो भी मैसेज को आपने पढ़ा था, वह मैसेज जो व्यक्ति आपको मैसेज किया था उनको पता नहीं चलेगा कि आपने उनके मैसेज को रीड कर लिया या फिर उनके मैसेज को आपने पढ़ लिया। तो दोस्तों यह जो ट्रिक है ये तीनों सोशल मीडिया पे वर्क करता है, सेम प्रोसेस है, सेम ट्रिक है, सेम आपको करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।